हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज विद आलोक सिंह राजपूत में। सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी खबर आई है। ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए एक बड़ी खबर है। सरकार बढ़ा सकती है सैलरी। अभी आप पूरी न्यूज़ जानेंगे, क्या न्यूज़ है, कैसे सैलरी बढ़ने वाली है, क्या सैलरी बढ़ा सकती है। सेवन पे कमीशन से रिलेटेड बहुत बड़ी न्यूज़ है। जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक। और अगर चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस रेड बटन को प्रेस करके, ऐसी सभी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के न्यूज़ और अपडेट्स के लिए। साथ ही साथ हम जो वीडियो अपलोड करते हैं वो आप तक पहुँचे, उसके लिए इस घंटे को निशान को दबाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। चलिए आपको लेकर चलते हैं उस न्यूज़ पर। आप देख सकते हैं जनसत्ता डॉट कॉम के अकॉर्डिंग ये न्यूज़ है। जनसत्ता न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग सेवन पे कमीशन सरकारी कर्मचारियों की, बल्ले बल्ले सरकार बढ़ा सकती है सैलरी। सेवन पे कमीशन की आज की ये न्यूज़ है। आप देख सकते हैं इसमें वेतन बढ़ोतरी से ये जुड़े कयास नेशनल जॉइंट काउंसिल ऑफ एक्शन NGCA के प्रमुख शिव गोपाल मिश्रा ने एक बयान के बाद से लगाए जा रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि सरकार वेतन बढ़ोतरी को लेकर काफी गंभीर है। पूरी न्यूज देखेंगे। लोकसभा चुनाव को देखते हुए मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को वेतन वृद्धि की अच्छी खबर दे सकती है। बताया जाता है कि फरवरी के अंत तक उन्हें वेतन में इजाफा किया जा सकता है। वेतन बढ़ोतरी से जुड़े ये कयास नेशनल जॉइंट काउंसिल ऑफ एक्शन NGCA के प्रमुख शिव गोपाल मिश्रा के एक बयान के बाद लगाए जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में उनके हवाले से कहा गया था कि केंद्रीय कर्मचारियों को बेसिक मिनिमम पे में बढ़ोतरी करने को लेकर सरकार वाकई में गंभीर है। सूत्रों ने बताया कि सरकार DNR अलाउंस से DA में भी इजाफा कर सकती है। न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी होगी या नहीं, इस पर स्थिति साफ नहीं है। माना जा रहा है कि कैबिनेट की बैठक के बाद इस महीने के अंत तक इसके बाबत ऐलान कर दिया जाएगा। सरकार से जुड़े सूत्रों पर यकीन करें तो मोदी सरकार मूल न्यूनतम बढ़ाने वेतन में बढ़ोतरी करना चाहती है, पर समस्या यह है कि सरकारी खजाने पर अत्यधिक बोझ पड़ जाएगा। हालांकि DA में जरूर इजाफा किया जा सकता है। वेतन बढ़ोतरी को लेकर तरह तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। कहा जा रहा है कि अगर इस संबंध में ऐलान हो गया तो बड़ी रकम कब से मिलेगी, क्या यह फैसला तत्काल प्रभाव में आएगा। फिलहाल इस संबंध में किसी प्रकार की पुष्टि या जानकारी नहीं हो सकी है। वहीं दूसरी ओर केंद्रीय कर्मचारी सातवें वेतन आयोग पर अपनी मांगों को लेकर टस से मस नजर होते नहीं नजर आ रहे हैं। उनका मानना है कि इस प्रकार की छोटी मोटी रियायतों से लंबे समय तक उनका फायदा नहीं होगा। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों में 18,000 रुपये न्यूनतम वेतन तय किया गया है, जबकि केंद्रीय कर्मचारी इसे बढ़ाकर 26,000 रुपये करने की मांग पर अड़ी गए। दरअसल चुनाव को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार कर्मचारियों को नाखुश नहीं करना चाहती है। पहले केंद्र ने सातवें वेतन आयोग के लाभों का विस्तार शिक्षाविदों तक किया था और उसके बाद नेशनल पेंशन स्कीम में बदलाव किए, यानी कि 10% कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट का, 14% कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट ने अपना किया, और बाकी जो अकेडमिक स्टाफ था, यूनिवर्सिटीज़ के चांसलर, वाइस चांसलर, कंट्रोलर, उन सबकी सैलरी में भी, उनके जो अलाउंसेस थे उनमें भी उन्होंने इंक्रीमेंट किया, जिसे लेकर राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारी विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। ऐसे में आने वाले समय में केंद्र कर्मचारियों को केंद्र से खुशखबरी मिलने की पूरी संभावना जताई जा रही है। यानी कि इसमें आपका जो भी सैलरी, अगर इसमें दो टाइप से सैलरी बढ़ाने की बात की जा रही है जनसत्ता डॉट कॉम के अकॉर्डिंग, या तो सैलरी की, यानी आपकी मिनिमम सैलरी को इंक्रीमेंट किया जाएगा, अदरवाइज ऐसा नहीं किया जाता तो आपके DA में इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। कैबिनेट की मीटिंग में जो भी तय होगा हम आपको अपडेट कर देंगे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। और जो भी मीटिंग होगी उसके बाद में फरवरी मंथ के अंत तक दोनों में से कोई ना कोई एक ऐसा हो सकता है, एक साथ जनसत्ता डॉट कॉम ऐसा उनके अकॉर्डिंग के अनुसार बताया जा रहा है। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा अपने जूनियर के साथ में, अपने सीनियर के साथ में, अपने कुलीग्स के साथ में। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।